येल्लो मामा की पहरेदारी में येल्लो मामा की बैग की पहरेदारी कर रहा है ये। येल्लो मामा गई है उस रूम पे चेक करने के, उस रूम पे कुछ छूटा है कि नहीं, ऐसे छूट गया होगा तो वो लेके आएंगी। तो ऋषि बोला कि येल्लो मामा की बैग की पहरेदारी करेगा, हाँ प्रोटेक्ट करेगा। ओके गुड बाय, और गुड बाय। नमस्ते, स्मिता बेड़िया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज स्मिता, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। जिस कपड़े में थे ये घर के ट्राउजर वही पहन के जा रहे, क्योंकि गाड़ी में बैठते बैठते ही जाना है। तो आज है डाल लेक में, आज हमारी स्टे है। ए ए मत निकाल, लो जो तक के कुछ हो गया वो ठीक हो जाएगा, फिर जाएंगे, है ना। थोड़ा सा कुछ हो गया है, खराब हो गया था। बाय बाय सोनमार, बाय बाय सोनमार। ग्रुप है, उन लोगों ने स्टिकर लगा के गया है यहाँ पे, इतने सारे हैं तो बहुत सारी बहुत ही अच्छी वाली वॉल बना के गए। कितने सारे बाइकर ग्रुप है, चलो 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 चलो, चलना है हमें, चलना है हमें, चलो 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 चलो। बाबा भी सो जाएंगे 5 मिनट के अंदर। बाय बाय सोनमार्ग, बाय बाय बोलो, इसे बोलो बाय बाय सोनमार्ग, नहीं बोलिए। ओके, बर्फ पिघल के ये सब पानी जा रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है ना, मतलब मन नहीं कर रहा है जाने को। ऋषि कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है ये वाला जगह, जन्नत जन्नत, बहुत पास में भाई, तो बहुत पास में ही श्रीनगर। चलो नीचे चले क्या, चलो चलो। ऋषि अभी देखेगा तो ऋषि मुझे जाना है, मुझे जाना है, ऐसे बोलेगा। तो पानी के पास ये ख्वाहिश पूरी होगी हमारी, यहाँ पानी में, पानी के पास बैठ के खाना खाना है। हम इधर ही कुछ घर ले लेके सब ख्वाहिश में पूरा कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, हाथ दो हाथ दो हाथ दो थोड़ा, थैंक यू थैंक यू। ख्वाहिश पूरी कर ले, क्या ख्वाहिश? मेरी ख्वाहिश है कि ये ठंडा पानी चुना है, वो जो होता है ना फ्रिज के अंदर जो पानी, वही वाला चिलिंग। और कल के सोमवार पे एक आदमी वो सिर धो रहा था, अच्छा लग पटौट नहीं थी रहा एम था। मैं गाड़ी रुकवाए थे, ऋषि को पॉटी लग रही थी, लेकिन ऋषि ने पॉटी वोटी कुछ नहीं किया, ये टाइम पास करके आया। और वहाँ से हम एक अखरोट अखरोट लेके आए, कच्चे वाले, अलग ही टेस्ट है एकदम से। देखो इसको स्मेल अलग है ना, अच्छा लग रहा है। पहले कभी पहले ऐसे कभी मैंने स्मेल नहीं किया, ये कुछ अलग है। जगह क्या कर लिया तूने, जैसे को पता नहीं चला गाना सुन रहे कोई बंदा होगा, वो बोला गेट नंबर 9 पे होटल का नाम। ये सिर्फ वही होटल का है क्या ये सिकारा? और हमको अलग से सिकारा राइड लेना है तो होटल में बोलना पड़ेगा। अभी हम होटल में जा रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा डर पानी ही है, और मैं अभी पानी के ऊपर जा रही हूँ। वैसे तो मम्मा आ गई, अभी आप रुको क्या हो तुम, ऊपर जाओ ऊपर जाओ। ये लो डाइपर, आराम से इधर को उधर को आराम से, अब मुंडा नहीं किया ऐसी हवा खाली। और ये है हमारी बोट हाउस 2 नाइट्स के लिए, और ये आते ही ये दोनों सो गए। और क्या है, सोनमार्ग नहीं है ये, दाल लेके है।
तो ऊपर इतनी अच्छी अच्छी झूमर है। हाँ बोलो, ये श्रीनगर है। ओके पहले इसको बंद करते हैं। हो गया ना, फिर ऐसे रूम बेड, बहुत ही खूबसूरत बेड है वो। ऊपर का इंटीरियर बहुत ऊपर का ऐसे बहुत फ्लोर अच्छा है। और यहाँ पे ऐसे अच्छी मिरर है। बोला कि अभी रिशु कराएगा, ऐसे होम टूर कराएगा ये। ओह माय गॉड, हाँ इसी को तो देखना है ये। हाँ हाँ ये हाँ, वाह बहुत अच्छा ना। तो यहाँ पे हम बहुत सारे रील्स बनाएंगे ऐसे, है ना रिशु? रिशु पैंट, बिना पैंट के ही घूम रहा है इधर। मत दिखाओ ना रिशु, बाद में करेंगे। हाँ कंबल है, कंबल है, यहाँ पे कंबल दिया गया है, तो कंबल ये वाला कंबल। और दिखाते हैं, चलो इसमें भी देखेंगे, इसमें भी कंबल होगा रिशु। तक ये है, अब चीजें रखने के लिए जगह है। चलो रिशु घूमने चलते हैं, चलो चलो चलो। हाँ अच्छा लग रहा है, अभी कारपेट वगैरह डाल दी। हाँ ये वाला है, लुकिंग नाइस। तुम भी बहुत अच्छे दिख रहे हो रिशु, मम्मी भी बहुत अच्छी दिख रही है। कोई ना बोले, मैं खुद ही बोल लेती हूँ। आई एम लुकिंग गुड। मैं थोड़े से बाल आज बहुत अच्छे लग रहे, ऐसे दो दिन के बाद नहाया, दो दिन के सोनमार्ग में हमने बिल्कुल भी नहीं नहाया था। फिर इधर आते ही हम दोनों ने नहा ली। अरे बुढ़ी इधर बैठो बैठो बुनी जमा रहे। तो अभी हम शिकारा राइड में आ गए हैं, बैलेंस करके बैठे हैं इस बार। उधर ऐसे रिशु भी टकलू बैठा है, टकलू एडजस्ट कर रहा है, बैलेंस मेंटेन कर रहा है। ओ कपड़े हिलने का नहीं रिशु, सिर्फ बैठने का। अमेजिंग प्लेस, मतलब मस्ट मस्ट विजिट प्लेस है। मजा आ रहा है रिशु, मजा आ रहा है। एक घंटा बैठेंगे इधर, घंटा 10 मिनट। हाँ अब अभी 10 मिनट हुआ है ऐसे, इतना सुकून मिल रहा है ना, इतना सुकून। चलते चलते हाँ ये नीचे जाता है ना दबाने से। हाँ सब बनाते हैं, झील पर काटते हैं, सुबह लेते हैं उसको, बोलते हैं बीजे पर मारते हैं। मॉर्निंग 5 को इधर लगेगा, इधर लगेगा। मॉर्निंग 5 को खरीद सकते इधर से, सुबह बनी ना सिको। हाँ दबाने से हो ऊपर ऊपर आ जाएगा, यही है फ्लोटिंग। ओके भाई अच्छी चीज है, खेती वाला है, खेती वाला है, सब्जी बनाते सुबह 5 बजे रात बोलते है। फ्लोटिंग गार्डन ये सब उसको पैसा बहुत आता है, ये खेती वाला का, गांव वालों का। इधर हर रोज सब्जी बनाते है सुबह 5 बजे। हाँ 5 बजे लिली हुआ ना, बहुत सारे लिली हुआ है। बाबा कैसा लग रहा है? बाबा भी सोच के बताएं। मतलब किधर लेता है मालूम नहीं पड़ता है, सुनाई नहीं देता है, उसको दिखाई देता है, उसको दिखाई देता है। रिशु अच्छा लग रहा है, चॉकलेट मिल गया तुझे, वाह। और क्या खाना है बाबा? बाबा इधर और क्या खाना है? टिक्का अच्छा लगा? टिक्का नहीं है, ठीक है। मामा का पनीर टिक्का अच्छा नहीं था, हाँ। और फ्रूट्स खट्टा था ना, फिश टिक्का, फिश टिक्का, हाँ फिश टिक्का खा लो थोड़ा अच्छा रहेगा। कितना ठंडा लग रहा है अभी, अभी थोड़ा हवा की वजह से ना बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। लिटरली ये मस्ट ट्राई, मतलब प्लेस रहता है ना कि आपको यहाँ जाना है ऐसे। कश्मीर में सबसे बेस्ट शिकारा है, कश्मीर में श्रीनगर में डाल लेक में शिकारा, तो मतलब ऐसे मतलब मस्ट विजिट, मस्ट विजिट, मतलब हाईली रिकमेंड। थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है इसलिए बहुत ज्यादा ठंड भी लग रहा है। नाजनीन होटल, होटल नाजनीन,
तो अभी हम घाट के पास जा रहे हैं, हमारा 9 नंबर घाट है। जब जिस होटल में आप रुकते हो ना, तो उसी का एक स्पेसिफिक घाट रहता है, तो उसी घाट में आपको वो मतलब उस में अप डाउन मिलेगा, अप डाउन अप डाउन नहीं तो तैर के आना है। तो हम वहाँ पे अभी मतलब अभी रोड के पास जा रहे हैं, मतलब सिटी के अंदर जाएंगे अभी, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे कि हम बाहर खाएं कैसे, सोच रहे हैं ठीक है। नहीं तो वो होटल वाले भी अगर आप पहले से बोल दोगे ना, तो हमारा डिनर इंक्लूड नहीं है, हमारा सिर्फ ब्रेकफास्ट ही इंक्लूड है। तो डिनर के लिए हम बाहर सोच रहे हैं कि बाहर खा लें, वो पूछ रहे थे लेकिन हम बोले कि चलो यार बाहर ही खा लेते हैं। तो अभी बाहर जा रहे हैं, अभी तो 9 नंबर घाट में जा रहे हैं, लेकिन 2 नंबर घाट में एक तो चेक कर रहे थे ऑनलाइन, तो वो वहाँ पे अच्छा वाला रेस्टोरेंट वगैरह है ऐसे, वो वहाँ पे शो कर रहा था, तो देखते हैं अगर जा पाएंगे क्या करेंगे पता नहीं, क्या स्थल भूमि में उतर जाए। अभी जल भूमि में है हम लोग, सिकारा सकारा। तो अभी हम स्थल भूमि में उतर गए, तो अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करते हैं और कुछ खाने का देखते हैं। मम्मा कितना ठंड लग रही है, हम कुछ भी जैकेट वगैरह कुछ लेके नहीं आए, जाते वहाँ कपड़े उड़ रहे हैं हमारे, बहुत ज़्यादा ठंड है और उस पर बारिश हो रही है, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड है। अब रेडी करके रखे, हम कितने बजे आ जाएंगे सर, मैं वही बोल रही हूँ। ऋषु का केक कैसे ऑर्डर हो रहा है, ऋषु का केक अभी थीम केक ले रहे हैं ऋषु के लिए, है ना ऋषु। तो यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी थी, तो हम वहाँ पे बहुत और भी कुछ खरीदारी के लिए, ऐसे दोस्त वगैरह के लिए गिफ्ट लिए, और ऋषु ना बाहर आते ही कि गोदी में लो ऐसे, फिर हम जा रहे आगे 2 नंबर घाट, सभी बोले कि 2 नंबर घाट ही जाना है उनको, तो हम बस चल के जा रहे पार्क में। तो ऋषु की वजह से ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। ऋषु चलो तो थोड़ा चलो, नहीं नहीं ओके। ऋषु बर्तन मांजेगा इधर, तू तोड़ेगा तोड़ेगा तो तुझे यहाँ पे रख देंगे, बर्तन मांजेगा। देखो फिर से बदमाशी किया, वंदोर गोली पसी रहा है मेरे दांतों में। आ गया ऋषु तेरा, ऋषु तेरा नूडल्स आ गया, ऋषु देखो नूडल्स, ऋषु खुशी, देख उसको देख। आगे ऋषु कबाब। इस होटल में खाना इज टू टेस्टी और इसका नाम है स्ट्रीम रेस्टोरेंट, मतलब इतने दिनों से जो पेट भर के नहीं खा रहे थे, मतलब नहीं मिल रहा था ऑप्शन अच्छे वाले, तो आज पूरा कंप्लीट हो गया और इतना भर के खाए, और उसके बाद ऋषु को उठाना पड़ रहा है, मतलब सारी जो खुशी थी ना उसमें पानी भर गया। इसके वजह से टॉपिक की वजह से चले गया, हाथ तो दे दे, चलो चले गया चले गया चले गया। बाबा किधर है, आगे चले गए और हम लोग और एक ऑटो लेके जा रहे हैं 9 नंबर घाट को, हम 2 नंबर घाट में, तो अभी खाने के बाद हम नहीं जा सकते थे ऐसे, तो बाहर का नज़र कितना अच्छा दिख रहा है वैसे, ऋषु अच्छा दिख रहा है, भेज दिया हाँ भाई भाई अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, किधर जब पहला बच्चा कल तो क्या जन्मदिन है, अच्छा लग रहा है अभी, ऐसा नहीं लग रहा है सर, हाँ मतलब जो चिलिंग करके आते हैं ना वही वाले ठंड, सोनमार्ग और पहलगाम में बहुत ज़्यादा ठंड था, तो यहाँ पे बिना स्वेटर के अच्छा फील होता है ना बाबू, क्योंकि अभी मुझे ठंड तो लगती है, लेकिन ये वाला वजह में ऐसे खाली बिना जैकेट के बिना स्वेटर के बिना कुछ गर्म कपड़े के घूम सकती हूँ, है ना। सिर्फ शिकारा राइड में ना पानी के अंदर जाते हैं ना उसके लिए बहुत ज्यादा ठंड लगती है, नहीं तो अदरवाइज श्रीनगर समर के लिए बहुत ही अच्छी है। पोटी लग रही है, चलो कितने सारे लोग हैं ना, कितने सारे लोग जाने के लिए वेट कर रहे हैं, अभी आए हैं सब, इतना मोटा आदमी कैसे जाएगा ऊपर से, उधर तो लगा ना साइड में।
अच्छी बात है, वे कितना अच्छा दिख रहा है। देखो वो कितनी बार ये लाइन बोल चुकी है लेकिन फिर भी बहुत कम है। बारिश थोड़ा चालू हो गया अभी। पूरी कश्मीर में, मतलब पूरा जो कश्मीर का ट्रिप था ना, सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? शिकारा राइड, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा लगा, वो मज़ा इसलिए हम लोग का क्योंकि हम लोग का बैलेंस ऐसे ऐसे हो रहा था ना, और मुझे लिटरली पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आज खाना बहुत अच्छा हो गया और मौसम बहुत अच्छा है, और क्या नहाए दो दिन के बाद, शिकारा राइड किए, और क्या किए, और जो भी हो रहा है अभी तक फिलहाल, तो बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन, लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। और अखरोट का फल भी, मतलब कच्चे फल भी हमने देखा, वो बोलते हैं ना, मतलब एक ट्रिप में बहुत सारे अनोखी अनोखी चीज़ हो रही है, इसलिए ना मतलब दिल अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब खुश है, सुकून मिल रहा है। तो ये वाला रूम ना, मतलब ये वाला रूम और सोनपुर पे जो रूम था, सोनमार्ग में जो रूम था वो बहुत ही अच्छा, मतलब क्या बोले, खूबसूरत, जो बोलते हैं ना ऐसे देख के बोलते हैं दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज एक्चुअल ब्यूटी। वो रूम पे ऐसा, मतलब वो लकड़ी का जो काम रहता है ना यहाँ पे, क्या बोले, बहुत ही अच्छा है। ऐसे मन करता है ना कि यहाँ पे ही रुक जाए बस, ऐसा मन में हो रहा था। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। तो अभी ना खाना खा ले और मस्त नींद आ रही है, बस रीशु को नींद नहीं आ रही है, ठीक है, उसको नींद आ रही है, चिड़चिड़ हो रहा है, फिर भी वो नहीं सोएगा। अभी 10:30 क्या, नहीं 10 बज गए, 10:30 नहीं हुआ, 10 बज गए, और रीशु सोएगा 12 बजे, तब तक खुद को कंट्रोल करना है, और उसके बाद ही ये रूम का मजा ले पाएंगे, मतलब आराम से सोएंगे। दो दो ब्लैंकेट है, फिर भी दो ब्लैंकेट की जरूरत नहीं, एक ब्लैंकेट में हो जाएगा। श्रीनगर में ऐसा वेदर है कि एक ब्लैंकेट में, मतलब ब्लैंकेट की ज़रूरत है लेकिन एक ब्लैंकेट हो जाएगा ऐसा। तो मिक्स, मतलब गर्मी भी, मतलब मतलब कि सूरज की, मतलब जो सूरज आता है ना तो भी बहुत ज़्यादा हीट लगता है, लेकिन उसके साथ जो ठंडक भरी हवा, तो उसके वजह से मतलब मिक्सर है श्रीनगर। जो बाहर से आते हैं लोग तो वो श्रीनगर में उनको अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन उससे आगे जैसे पहलगाम हो गया और सोनमार्ग हो गया, तो उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड, जैसे कड़क ठंड है, तो वहाँ पे तो ब्लैंकेट, मतलब दो दो ब्लैंकेट, जैकेट वगैरह ऐसे कुछ भी, मतलब सिर्फ गर्म कपड़े ऐसे। यहाँ पे तो नॉर्मल, जैसे मैं सूरत में भी जैसे पहनती हूँ, उड़ीसा में कहीं पहनती हूँ, तो वही वाले कपड़े भी चल जाते हैं यहाँ पे। हाँ, थोड़ी सी मतलब पानी जब डाल लेक के आसपास आप घूमेंगे ना, तब आपको ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वरना श्रीनगर इस, मतलब घूमने, हम जो बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए श्रीनगर ठीक ठाक, ठीक है। बस आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। कल हमारा ट्रिप का आखिरी दिन होगा, और कल हम श्रीनगर ही, मतलब सिटी के अंदर जो गार्डन वगैरह हैं, तो उसी को बस कवरअप करना है हमको। अगर कल पॉसिबल हुआ तो मुझे और एक बार शिकारा राइड में जानी है, मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है लिटरली। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं करूँगी पक्का कल। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर लेती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। हमेशा की तरह कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, हर हर महादेव।